सो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं SKT टेक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, वो क्रिकेट के मैदान से आपके घर टेलीविज़न पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके कोई भी डिवाइस पे कैसे यहाँ पर एक्सेस आप कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरा प्रोसेस कि कैसे यहाँ पर कौन कौन से टेक्निक होती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर काम करती है इसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम स्टेडियम में लगे हुए कैमरे के साथ में। यहाँ पर स्टेडियम में करीब 30 कैमरे लगे हुए होते हैं और वहाँ से आपके यहाँ पर टेलीकास्टिंग आपको देखने को मिलती है। और ये जो कैमराज है आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, आपस में होते हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ पर केबल लगे हुए होते हैं आपस में, जिसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल होता है। और वहाँ पर करीब 80 लोगों की यहाँ पर टीम होती है, जिसमें कैमरामैन, डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, बहुत लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे यहाँ पर काम करने वाली है और आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके मोबाइल में, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देखने को मिले। तो बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की। तो कौन कौन से प्रकार की कैमरा यहाँ पर आपको IPL के मैदान में या फिर कोई भी क्रिकेट मैदान में देखने को मिल जाती है। तो पहला यहाँ पर कि हाई एंड कैमरा, जो कि जो बाउंड्रीज के कॉर्नर कॉर्नर पर लगे हुए थे, वो बहुत ही हाई एंड कैमरा होते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी के यहाँ पर फोटोज़ आपको इसके देखने को मिलती है। फिर आते हैं यहाँ पर फिक्स्ड कैमरे, जो कि आपको जो पिच होता है, जो क्रीज होता है वहाँ पर, जो कि रनआउट होता है, नोबल होता है, सब देखने के लिए एक फिक्स कैमरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ स्लो मोशन कैमरा भी होते हैं, जो एकदम स्लो मोशन इफेक्ट में जो वीडियोस दिखाते हैं कभी कभी, जैसे कोई किसी का हाफ सेंचुरी होता है या फिर सेंचुरी होता है, तो जो स्लो मोशन में जो फुटेज आते हैं वो यहाँ पर इस स्लो मोशन कैमरा का यूज़ करके दिखाया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पर स्पाइडर कैमरा, जो यहाँ पर आपको कभी देखा होगा ऊपर, यहाँ पर मकड़ी की तरह ऊपर से यहाँ पर लटकता हुआ रहता है, जो यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर फुटेज आपको निकाल के देता है, जो ऊपर से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और वहाँ पर साथ में स्टम्प कैमरा भी यहाँ पर मिलती है, जो स्टम्प के अंदर जो कैमरा लगे होते हैं, जो आपका कभी कभी फुटेज जो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर बैट्समैन कैसे रिएक्ट करता है, बैट्समैन कैसे खेलता है, उसके बारे में। आजकल के जो IPL हो गए, अभी आजकल के जो मैच हैं उसमें यहाँ पर आपको बग्गी कैम भी देखने को मिलता है, जो एक बग्गी जैसा, एक छोटा सा कार जैसा होता है, जो यहाँ पर बाउंड्री के बाहर यहाँ पर गाड़ी की तरह गोल घूमते रहता है और कभी कभी ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो कुछ में तो बाउंड्री के अंदर भी यहाँ पर चले जाता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर फुटेज लेके आता है। एक और कैमरा जो कि है अंपायर कैमरा, जो अंपायर के यहाँ पर कैप में यहाँ पर लगा होता है, जिससे आपका जो अंपायर का जो व्यू है, अंपायर किस प्रकार से यहाँ पर मैच को देखता है, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये सभी जो कैमराज है वहाँ से जो फुटेज आती है वो आपस में केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक कंट्रोल रूम से, जहाँ पर कंट्रोल रूम में कुछ डायरेक्टर, कुछ प्रोड्यूसर, जो यहाँ पर टीम होती है वो बैठी हुई होती है, और जो आपस में ये जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा फुटेज आपको कितने समय में दिखाना है और कैसे यहाँ पर दिखाना है। और ये सभी जो फुटेज आते हैं उसको यहाँ पर कमेंट्री के साथ में सिंक किया जाता है, और कभी कभी आपको ऐसे रिप्ले दिखाना होता है, कभी कोई यहाँ पर अंपायर जो रिव्यू लेता है या फिर कोई टीम DRS लेती है, तो उसके बाद जो यहाँ पर एक और अलग से एक टीम होती है जो यहाँ पर ये चीज़ कंट्रोल करती है कि आपको रिप्ले दिखाना है और कैसे यहाँ पर फुटेज दिखाना है। एक टीम होती है कि जो बॉल ट्रैकिंग वगैरह में जो अल्ट्राइज होता है वो सब देखती है, और एक टीम होती है जो यहाँ पर जो ग्राफिक्स होते हैं, जो रिकॉर्ड यहाँ पर रहते हैं पिछले रिकॉर्ड, उसको यहाँ पर शो करती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टीम यहाँ पर बटी हुई होती है, जो यहाँ पर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप जो आपके मोबाइल पर, आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको मैच, लाइव मैच देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवाज़ है उसका एक अलग सा एक रूम होता है, जहाँ पर आपको ऑडियो का यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, बहुत प्रकार के यहाँ पर वॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कोई भी IPL के मैच में या फिर कोई भी क्रिकेट मैच में। पहला होता है कि जो ऑडियंस के, जो क्राउड के साथ जो आवाज़ आते हैं वॉइस होती है, वो होगी। उसके बाद आते हैं जो कमेंट्री में जो कमेंट्रेटर कमेंट्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कि स्टम्प का माइक, जो स्टम्प में जो बैट का जो पढ़ने की आवाज़ आती है वो, और कोई कभी कभी जो कीपर है कुछ बोलता है वो भी यहाँ पर सुनाई दे देता है आपको इसी स्टम्प के माइक से। और ये सभी को यहाँ पर एक और डायरेक्टर होता है, वो यहाँ पर सबको सिंक करता है और आपस में मिला के एक बहुत ही सही आउटपुट निकाल के देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आपको प्रोसीड करता है, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा ऑडियो का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक बात और कि जो जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी आपस में अपने जो कम्युनिकेट करते हैं, एक हेडफोन सभी के सभी यहाँ पर पहने हुए होते हैं, जिसके थ्रू आपस में बातचीत करते हैं, कमेंट्री को भी सुन सकते हैं, जिसके थ्रू एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो यहाँ पर ये चीज़ें काम करती है,
अब बात करते हैं इसके टेलीकास्टिंग की, तो कैसे यहाँ पर जब कंट्रोल रूम में जो आउटपुट निकलता है उसके बाद इसको करना होता है टेलीकास्ट, तो इसके लिए जो एक डिस्क होता है सभी जो यहाँ पर कंट्रोल रूम में लगा हुआ होता है, और वो कंट्रोल रूम से जो डिस्क के थ्रू जो जो डेटा है वो यहाँ पर आपको ऊपर सेटेलाइट में भेजी जाती है, और साथ में अगर आप मोबाइल में सर्व करते हैं तो जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके थ्रू यहाँ पर आपको जो उसके वेबसाइट उसके डोमेन पे उसके सर्वर पे यहाँ पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर काम करती है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंक करना होता है, और फटाफट यहाँ पर डिसीजन आपको लेना होता है जिसके थ्रू आपको जो बहुत ही सही आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो टीम होती है बहुत ही अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वहाँ कैसे काम करती है, और साथ में और बहुत सारी ऐसी IPL से जुड़ी हुई जानकारी और बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जानने के लिए आपको यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको और फ्यूचर में ऐसी वीडियो जानकारी भरी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपनी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में जो इंटरेस्ट रखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है।